हेलो फ्रेंड्स, श्वेता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी, जिसके लिए मैंने ली है आधा किलो भिंडी फ्रेश। ये मैंने अच्छे से धो ली है और सुखा ली है। और फ्रेंड्स, हमने इसका आगे का हिस्सा और पीछे से अच्छे से कट कर लिया है। अब इसमें बीच में हम कट लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमें ऐसे इसमें कट लगाना है जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह इसके अंदर भर जाए, अच्छे से भर जाए इसके अंदर। अब इसके हम मसाले की तैयारी करते हैं जो इसके अंदर हम भरेंगे। फ्रेंड्स, मैंने प्लेट ली है, प्लेट में अब हम इसका अंदर मसाला बनाएंगे अपना। मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर दिया है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, वो फ्रेंड्स हमें बहुत आधा चम्मच से कम लेना है, चौथाई हिस्सा। और दो चम्मच सरसों का तेल लिया फ्रेंड्स मैंने, जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छे से मिलाएंगे इसको हम अपनी भिंडी वाला मसाला भरेंगे, जिससे हमारी भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भरवा भिंडी की तैयारी कर रहे हैं, हमने अपना भिंडी का मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम अपनी भिंडी में इसको भरेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, मैंने भिंडी लिया, भिंडी के अंदर अच्छे से भरेंगे। फ्रेंड्स, हमें ऐसे भरना है जिससे हमारी भिंडी अच्छे मसाले से कवर हो जाए। हम दूसरी भिंडी लेंगे, उसे भी ऐसे अच्छे से भरेंगे। हमें सारी भिंडी में ऐसे मसाला भरना है अपने। फ्रेंड्स, से मसाला भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने अच्छे से अपनी भिंडियों में मसाला भर लिया है। फ्रेंड्स, देखो अच्छे से भरा है। हम ऐसे ही मसाला भरना है सब भिंडियों में, जिससे हमारा अच्छा भिंडियों में फ्लेवर आए और टेस्ट भी अच्छा है। जब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है फ्रेंड्स, कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया इसमें, हमें अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा हींग लिया है, इसमें हम डालेंगे। हमने भिंडी मसाले से भर ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और हमने भिंडी हम इसमें डालेंगे। फुलाएंगे इसमें किचन डाला है, हमें इसको ऐसे भी अच्छे से मिक्स करना है। हमें दो दो मिनट तक इसको चला के रखना है, जैसे हमारी भिंडी लगे नहीं, जिससे कि 15-20 मिनट में हमारी भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, को हम अब ढक देते हैं, फिर दो मिनट बाद फिर इसको दोबारा चलाएंगे। इसको फ्रेंड्स हमें तेज चलाना है, जिससे हमारी भिंडी लगे नहीं। देखो हमारी भिंडी कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी हमारी भिंडी पकी नहीं है, इसको हम फिर ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी भिंडी बनके तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, देखो हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है,
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।